राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद पूरे राजस्थान में उग्र आंदोलन किए गए, जिसके बाद ये पूरे मामले की जांच जो है एनआईए को दे दी गई, एसआईटी भी गठित की गई, वो भी जांच कर रही है। कैसे की जाएगी ये जांच, ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जल्द एनआईए की 4 सदस्यों की टीम जयपुर पहुंच सकती है। शुरू में एनआईए के अधिकारी जांच में एसआईटी की मदद करेंगे, बाद में एनआईए केस को अपने हाथ में ले सकता है। एनआईए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े कई केसेस को एनआईए हैंडल कर चुका है। एनआईए के पास टेरर गैंगस्टर लिंक से जुड़े कई इनपुट्स हैं, इसीलिए एनआईए की जांच इंपॉर्टेंट है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े कई मामलों में जांच एनआईए ही कर रहा है, इसीलिए हम बार बार फोकस कर रहे हैं एनआईए की जांच पर।